भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम खड़े हैं पार्किंग में हॉल ऑफ फेम की। हॉल ऑफ फेम लद्दाख के अंदर है। गाड़ी पार्क कर दी है और चल के आपको विजिट कराते हैं कि हॉल ऑफ फेम आखिर है क्या। टिकट काउंटर सो वी आर एंट्रिंग इन हॉल ऑफ फेम। लद्दाख की जो मेन मेन डेस्टिनेशंस हैं वो दिखाई हुई हैं। लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस, सभी पासिस के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। मास्क वॉर्न बाय लामास ड्यूरिंग गोम्पा फेस्टिवल्स। वी आर एंट्रिंग जो है सारा सेना के बारे में इस सेक्शन में। हमारे वीर जवानों की दास्तानें यहाँ पर डेमोंस्ट्रेट की गई हैं। उन बहादुर योद्धाओं को मेरा तो सलाम है भाई। इस पूरे सेक्शन के अंदर वहां से और यहां तक उन बहादुर वीर जवानों के बारे में बताया हुआ है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। यानी विंडर्स के दौरान में कोई भी सेनाओं पर पोस्टों पे नहीं चढ़ेगी, नहीं नहीं आर्मी और नहीं पाकिस्तान के रेंजर्स उनको रेंजर बुलाता है। एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी नीचे बेस में डाउन हो गया एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छिपाते धीरे धीरे हमारे कुछ एक पोस्ट ऑक्यूपाई करके रख लिए। जब हम एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन हो चुके थे, वो कौन से पोस्ट आप देख सकते हैं दराज में 0.4875 टाइगर 5140 टोलोलिंग, नेक्स्ट कारगिल में 5608 ककसार मजदास और बटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे जुब्बर हिल्स मोंटेडालो खालूपर और यल्दौर। अभी पाकिस्तान ने जितना ऑक्यूपाई करना था कर चुका। अभी इंडिया की भारतीय इसको रिकैप्चर करने के लिए तो उसकी शुरुआत करेगी बटाली सेक्टर से 2 मई को। कितने मई को? 99 की वार की जो शुरुआत हुई थी वो 2 मई से हुई थी, वो बटाली सेक्टर से, और उसका पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया था मोंटेडालो के पास 15 मई को पहला ऑपरेशन। ऑपरेशन से पहले 2 मई को क्या हुआ, कैसे हमें पता चला कि पाकिस्तान ने सारे पोस्ट हमारे ऑक्यूपाई कर लिए। आपने नाम सुना होगा एक सिविल का जिसका नाम था ताशी नामगेल, चरवाह जिसे बोलते हैं, भेड़ बकरी चलाने वाला। हाँ, तो उसने मोंटेडालो के पास कोई कुछ एक लोगों की हरकत देखी। 7 से 8 लोग पठानी सूट पहने हुए लंबे चौड़े वहां पे पत्थर से बंकर बना रहे थे।
जब उसने कंफर्म कर लिया कि वो जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो उसने बटालियन में आके नीचे बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दी, जो एग्रीमेंट के हिसाब से बैठी हुई थी, कि सर मैंने मोंटेड वालों के पास कुछ एक लोगों की हरकत देखी है। ऐसा सुनने के बाद इंडियन आर्मी ने क्या है, हरकत तेज कर दी। उन्होंने एक पेट्रोलिंग टीम बनाई, सर्चिंग टीम, इसमें एक अफसर 10 जवान शामिल थे, टोटल 11 जने। इसमें आपने नाम भी सुना होगा कमांडर का, कैप्टन सौरभ कालिया। क्या है? मैंने बोला कैप्टन सौरभ बोला, मैंने सौरभ नहीं बोला, क्या बोला मैंने? कैप्टन सौरभ कालिया। तो उन्होंने क्या किया, जब वहां पे मोंटेलाल के पास वो सर्च करने गए 11 के 11, लेकिन वो 11 के 11 वापस नहीं लौटे। जब वापस नहीं लौटे तो वहां पे वो ऑपरेशन और जो वार, जो 19 का कारगिल वार, जिसके बारे में आपको भी बता रहा हूँ, शुरुआत वहां से हुई थी। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए रखा गया वहां पे नाम, ज्यादा हाइट होने के कारण एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको सक्सेस बनाया। और पाकिस्तान ने जितने भी बटालिक सेक्टर के जगह जमीन को ऑक्यूपाई करके रखे थे हमारे, उसको रिकैप्चर कर लिया। 4 के 4 दरास में टोलोरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नेशनल हाईवे जा रहा है चोचिला, दरास, कारगिल, ले, लद्दाख, सियाचिन। अगर पाकिस्तान टोलोरिंग में कैप्चर कर लेता तो आज जहाँ पे हम सब लोग खड़े वहाँ पे कौन होता? ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपी विजय, जिसमें 0.4875 टाइगर हिल 5140 टोलोरिंग शामिल थे। आप लोगों ने एक मूवी देखी हुई छोटी सी, कौन सी मूवी? जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब भी शामिल हुए थे। उन्होंने टास्क दिया था कि 0.5140 रिकैप्चर करने का, और उन्होंने किया भी। और करने के बाद अपने सीनियर को एक 4 लाइन का मैसेज पास किया था, वो क्या था? उसके बाद उनको नेक्स्ट टास्क मिला 0.4875 को रिकैप्चर करने का। नेक्स्ट टास्क मिला, रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन करते करते वहां पे वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद जो उनके साथ में बची हुई सेना थी, उन्होंने बाद में सारा का सारा ये रिकैप्चर कर लिया। नेक्स्ट कारगिल 5608 ककसार और मजदास में लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये ड्यूरेशन वार का फाइट का 2 मई बटालिक से शुरू हुआ था और 26 जुलाई जाके कारगिल में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने हमारे जितने भी जगह जमीन फोर्स को ऑक्यूपाई कर रखे थे हमारे, उसको रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को कम से कम 3 महीने का टाइम लगा, लेकिन उस 3 महीने के दौरान में सारा का सारा ये रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया, इसीलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को क्या करती है, विजय दिवस मनाती है। थैंक यू। Staying LD at high altitude. ये है पोर्टेबल आपका एल्टीट्यूड चैम्बर, इसमें प्रेशर मेंटेन कर देते हैं फुट पंप से, और अंदर हमारे सोल्जर जो हैं वो आराम से सो सकते हैं, उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं डलता। ये यूज़ होता है मोस्टली सियाचिन ग्लेशियर के आसपास, जो बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं। Thank you.